नौजवान अब तुम जा सकते हो। अरे ऐसे कैसे जाएंगे, बख्शीश देकर जाएंगे। जो ना। अरे मेरे पैसे? ओहो, तो इसका मतलब ये है कि शूटिंग से पहले तुमने मेरे पैसे गायब कर दिए। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी बेटी अच्छी तरह से जानती है, मेरे पैसे लाओ। कौन से पैसे? डोंट टॉक, मतलब डोंट टॉक। वो पैसे एक नेक इंसान एक नेक काम के लिए उधार लिए थे और मैंने बड़ी मेहनत करके एक मास्टर प्लान से वो पैसे उड़ाए थे। लोग ठीक तरीके से मेरे पैसे वापस कर दो वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। घबराओ मत राजा, अभी देती हूँ। रिंगो रिंगो, अरे रिंगो, ये रिंगो कौन है? हेलो रिंगो। रिंगो ये कुछ मांग रहे हैं पर हमने तो दे दिया, अब तुम कुछ इन्हें देकर रवाना करो। बैठो नौजवान, ये दे रहे हैं लेकर ही जाना। पिताजी, मुझे भैया ने बार बार इस शादी से इनकार करने को कहा मगर मैं क्या करूं? जिंदगी में मैंने आपके सामने कभी जबान नहीं खोली। मेरी शादी के लिए जब आप माँ की चूड़ियाँ बेच रहे थे मैं अनजान बनकर सब कुछ देखती रही। उधार के लिए जब आप सारे शहर में भटक रहे थे तब भी मैं खामोश रही। जब आपके दुखों को मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आपकी बेटी सरस्वती। मैं एक भाई के जज्बात को समझ सकता हूँ। मैंने शहर के तमाम पुलिस स्टेशन में आपके बहन के खो जाने की खबर भेज दी है। जैसे ही खबर मिलेगी मैं आपको फौरन इत्तला करूंगा। थैंक यू सर। सुनिए मेहमानों, भाइयों मेरी बात सुनिए, सब सज्जनों मेरी बात सुनिए। प्रकाश बेटे को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर इसने आप लोगों का कर्जा नहीं चुकाया तो आप लोग अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और इसका घर नीलाम हो जाएगा, घर के सारे लोग कचरे की तरह से बाहर फेंक दिए जाएंगे। लेकिन भाइयों आप ही बताइए, बेचारा करे भी तो क्या करे, इतनी ऊंची पढ़ाई के बाद कितनी निजी नौकरी मिली, एक लोहार की भट्टी में हथौड़ा चलाने का काम, थू 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 थू, बड़ी बुरी बात है। लेकिन भाइयों इसको कर्जा सिर्फ बाहर वालों का ही नहीं बल्कि घर वालों का भी चुकाना है। ये देखिए प्रो नोट, मेरी शादी के वक्त इनके स्वर्गीय पिताजी ने दहेज देने की स्थिति में मुझे ये प्रो नोट लिख कर दिया था। मैं अगर चाहूँ तो घर को नीलाम करके अपने दहेज की रकम वसूल कर सकता हूँ।
लेकिन मेरा फरिश्तापन और दरियादिली देखिए, आज तक इन लोगों को इस कागज के बारे में कुछ नहीं बताया। कर्जा उतारने के लिए एक से एक सॉलिड तरीके बताए मगर सब बेकार। ये कहते हैं कि चाहे बर्बाद हो जाए लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जी, आपको सबके सामने इस घर की दास्तान सुनाने और हमारे साथ हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं। अगर कर्जों का बोझ हमारे कांधों पर है तो हम उसे अपने कांधों पर उठा लेंगे। आप खाम का अपना कांधा बीच में मत घुसेड़िए। क्यों ना घुसेड़ूं? हैं? मैं तुम्हारी फूफी का फूफा हूँ, मेरा मतलब तुम्हारी फूफी का पति हूँ, तुम्हारा फूफा हूँ, घर का सदस्य हूँ, परिवार का हमदर्द हूँ। ठोकर आप कंधों पे खाते हैं, वो ठोकरें मेरे कलेजे पे लगती हैं। हाँ तो भाइयों, मेरे जज्बाती मगर मासूम भतीजे पे रहम कीजिए। इसकी तरफ से मैं आप लोगों के पांव पड़ता हूँ। जी, आपको हमारे लिए किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम कर्जा लेना जानते हैं तो हम कर्जा चुकाना भी जानते हैं। देखिए भाइयों, मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मुझे 15 दिन की मोहलत चाहिए, मैं पिताजी के सारे कर्जे उतार दूंगा। अगर मैं नाकाम रहा तो आप ये मकान नीलाम करवा सकते हैं या जो आपके जी में आए वो कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने इतने दिन इंतजार किया है 15 दिन और सही। क्यों भाइयों? प्रकाश बेटे, इन लोगों का कर्जा चुकाने से पहले मेरा कर्जा जरूर उतार देना। आप तो घर के आदमी हैं, हमदर्द हैं, सबर कर सकते हैं, थोड़ा सबर कीजिए। सबर का फल इतना मीठा होता है कि आपकी कड़वी जबान को दोबारा शक्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, बाप के मरते ही फुलिया भी बदल गया तुम्हारा। अरे फुलिया क्या चीज है पटाखो, अभी देखो क्या क्या बदलता है। मतलब बाप के मरने का कोई दुख नहीं हुआ तुम्हें? अरे बुढ़े तो होते ही मरने के लिए, उनके मरने का कौन अफसोस करेगा। बहुत अच्छे। अच्छा एक बात तो बताओ मुच्छड़, सुना है तुम्हारे घर से कुछ रुपए चोरी हुए हैं? हाँ सही सुना। अच्छा, कहीं वो रुपए तुमने मेरे लिए तो नहीं चुराए? और अगर चुराए भी है तो कहाँ है वो रुपए? चुराए तो मैंने तुम्हारे लिए ही थे, मगर उसी रात साला कोई मुझसे भी मार कर ले गया। औरतों की तरह अगर मर्दों का भी कोई बाजार होता तो तुम्हें वहीं पर ले जाकर बिठाना चाहिए था। क्या वक्त है? ठीक कह रही हूँ बे, मूछ रखने से आदमी मर्द नहीं हो जाता। अबे मैं तो एक जिंदगी को बचाने के लिए इस पाप के कीचड़ में कूद पड़ी, मगर तू तो वो कीचड़ है जिसने अपने बुरे कामों के लिए अपने बाप की जान ले ली। अगर मैं गंदी हूँ तो तू गंदगी से भी ज्यादा गंदा है। देख मुंह संभाल कर बात कर, वरना मैं हुलिया बिगाड़ दूंगा। अबे जा जा, अपनी सूरत तो सुधार नहीं सकता, मेरा हुलिया क्या बिगाड़ेगा। मैं तेरा इस मोहल्ले में रहना मुश्किल कर दूंगा। अबे बाप की कमर को बेचकर पैसा खाने वाले, तू क्या मेरा रहना मुश्किल करेगा। मैं खुद ये मोहल्ला छोड़कर जा रही हूँ, मगर तुझसे डरकर नहीं बल्कि तेरे जैसे जलील के साए से बचकर जा रही हूँ। चल निकल यहाँ से, निकल। देख लूंगा। अबे जा। कहाँ से आ रहा है? मैं वो लाइब्रेरी में पढ़ने। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? मैं तुझे मार डालूँगा। भैया बोल। मैं वो पढ़ का मुंह गला करके आ रहा है। बोल, बोल, बोल। अब तेरा मुंह नहीं खुलता। प्रकाश, प्रकाश, ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है? तेरे पिताजी को गुजरे हुए 10 दिन भी नहीं हुए और तू अपने छोटे भाई को मार रहा है। वो जब तक जिंदा थे उन्हें कभी देखा था इसे चांटा मारते हुए? पिताजी ने इसे कभी चांटा नहीं मारा, इसलिए आज ये हमारी इज्जत के मुंह पर चांटा मार रहा है। माँ, इसने वो नीच और घिनौना काम किया है जिसके लिए अगर इसे जिंदा दफन कर दिया जाए तो वो भी कम है। क्या किया है इसने? जानना चाहती हूँ इसने क्या किया है। नहीं माँ, मैं ये गंदी बात अपनी जबान पर नहीं ला सकता। बेटा, इसने भूल की है तो इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, मगर इस वक्त तुझे भी एहसास होना चाहिए कि ये तेरा भाई है। भाई। आई, 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 आई,